चलिए जानते हैं सार्गेसम के बारे में। आपने सार्गेसो सी का नाम सुना है? ये अटलांटिक ओशन में उपस्थित है और यहीं पर उपस्थित है सार्गेसम। ये एक प्रकार का सी वीड है, हिंदी में कहें तो समुद्री खरपतवार है। ये एक तरह का सवाल या एलगी होता है। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसके साथ विब्रियो नाम का बैक्टीरिया देखने मिला है जो बहुत ही खतरनाक है। अब ये जो सार्गेसम जैसे सीवीड होते हैं ना, ये अपने आपको समुद्री तल से दूर रखते हैं और सतह पर तैरते रहते हैं। ये मछलियों, कछुओं आदि को फूड भी प्रोवाइड करते हैं और उनके ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में भी यूज होते हैं। सार्गेसम फिश भी पूरी जिंदगी इसी हैबिटेट में रहती है। अब इस सार्गेसो सी में ग्रेट अटलांटिक सार्गेसम बेल्ट देखने मिलता है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइक्रो एल्गी ब्लूम है। अब ये जो सीवीड है ना, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, फूड बनाते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने में भी सहायक होते हैं, हैवी मेटल्स केमिकल सब्सटेंस आदि को ट्रैप करके वाटर फिल्ट्रेशन का भी काम करते हैं, जल को शुद्ध बनाते हैं और स्पॉन्ज की तरह काम करके टॉक्सिक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। अब विब्रियो बैक्टीरिया की बात करें तो माना जाता है कि जो ह्यूमन की डेथ मरीन एनवायरनमेंट में होती है ना, वो सबसे ज्यादा इसी के कारण होती है। आपकी बॉडी में यदि कहीं कट लगा हुआ है और आप इस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं तो इसके कारण आपको डायरिया, स्टमक क्रैम्स, वोमिटिंग, फीवर, ईयर इन्फेक्शन, बाउंड इन्फेक्शन आदि जैसे सिम्टम्स देखने मिल सकते हैं। तो बहुत डेडली बैक्टीरिया है ये। लेकिन ये बैक्टीरिया जो है ये फ्रेश वाटर में नहीं रहता, हमेशा सॉल्टी वाटर में ही मिलता है।